हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम नंबर्स को यानी इंटीजर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन लिखते हैं, सबसे पहले वॉइड मेन, उसके बाद फिर यहां पे इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। और इंटीजर में क्या क्या हम ले रहे हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली वैल्यू मैं लेता हूं एन, दूसरी वैल्यू लेता हूं रिवर्स यानी कि रेवी, REV नाम की एक वैल्यू और बना लेता हूं, सॉरी वेरिएबल बना लेता हूं, जीरो जिसमें इनिशियलाइज कर लेता हूं, और एक वेरिएबल REM यानी रिमाइंडर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्लियर स्क्रीन लगाते हैं CLR SCR ताकि स्क्रीन क्लियर होती रहे, ठीक है। देन हमें क्या करना है, प्रिंटफ देना है यहां पे, तो मैं यहां पे प्रिंटफ लिखता हूं, एंटर नंबर्स ये दे दिया हमने। ध्यान रखिएगा, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कराना है, यहां हमें रिवर्स कराना है नंबर्स को, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स कराने का प्रोग्राम अलग होगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो यहां स्कैनअप लगा दिया हमने, और यहां पे करेंगे परसेंट डी, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिया एंटीजर, इसलिए परसेंट डी, वी हैव टू राइट परसेंट डी। एड्रेस ऑफ क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ एन, ओके, यहां से टर्मिनेट करिए इसको। टर्मिनेशन देने के बाद यहां पे मैं चलाता हूं व्हाइल लूप, अब फॉर लूप भी चला सकते हैं। व्हाइल लूप चला दिया हमने, और कंडीशन ये रहनी चाहिए हमारी, यहां पे जो लिखा मैंने कंडीशन सेम यही रखिएगा आप। इसको रखने के बाद नीचे जब आइएगा तो यहां पे हम करेंगे रैम, ओके, और रैम इज इक्वल टू एन मॉड्यूलो, ये 10 से क्यों डिवाइड किया इस पर हम लोग डिस्कशन अभी करते हैं, पहले प्रोग्राम बनाते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी यहां पे लिखेंगे n इज इक्वल टू n अपॉन 10, तो पहले हमने क्या किया, मॉड्यूलो किया, देन डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो n अपॉन 10 कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब यहां पे मैं लिखता हूं REV, एक वेरिएबल REV नाम से बनाया है, ठीक है, जिसमें जीरो इनिशियलाइज किया है। तो REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस RM यानी रिमाइंडर को इसमें स्टोर करा रहा हूं मैं, तो रिमाइंडर को स्टोर करा लिया। अब यहां प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ लिखा हमने, और यहां पे देते हैं रिवर्स, कितना दिया हमने, इसमें जाके स्टोर होगा, आरईवी में स्टोर होगा, ठीक है। तो इतना हमको करना है, और यहां से करिए इसको टर्मिनेट, और देन अब यहां पे लगाइए गेट सीएच। तो अभी गेट सीएच लगाने के पहले, चूंकि ये यहां पे हमने ब्रैकेट ओपन किया था कर्ली ब्रैकेट, इसको पहले क्लोज कर देते हैं यहां से, ये हमारा काम पूरा हो चुका है इसका। और अब नीचे आएंगे तो गेट सीएच लगाएंगे, तो गेट सीएच लगा देते हैं, गेट सीएच, ओके, और यहां से करिए इसको क्लोज, देन फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए, और यहां से सेव करेंगे हम। मैं लिखता हूं वाई ए भी डॉट सी, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां से कंपाइल करवाता हूं इसको, एरर देखते हैं क्या आया है, सेमीकोलन दे दिया है जिसके वजह से ये अनडिफाइंड सिंबल ले रहा है, तो यहां पर कॉमा देंगे, REM लिखेंगे, बस हो गया हमारा काम। यहां से इसको करवाते हैं रन, अब इंटर कोई नंबर एंटर करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने एंटर किया 2 3 4, तो देखिए इसके रिवर्स ऑर्डर की प्रिंटिंग हो गई है 4 3 2, देख सकते हैं आप। दोबारा इसको रन करता हूं, अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर एंटर किए हमने, और ये 4 3 2 1 आ चुका है। फिर एक बार और चलाते हैं इसको, इस बार करते हैं 8 9 7, ये इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ध्यान रखिएगा, आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मत लीजिएगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी पहले 8 है, फिर 9 है, फिर 7 है, तो पहले 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा। तो इंटर करते ही 7 9 8 आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे हम इसमें, हम आगे बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करा सकते हैं।